दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, ANM 9212 नियुक्ति पत्र वितरण पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए आप सभी के समक्ष ये विकट समस्या बनी हुई है नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर। आप सभी को पता है नियुक्ति पत्र वितरण यानी अगर हम कल की डेट में बात करें 20 मार्च को आपके कोर्ट में सुनवाई है, ठीक है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सारी चीजें आपके बीच में लिखी गई हैं। सवाल इस बात का आता है कि आखिरकार 20 मार्च को क्या हमारी सुनवाई जो होनी है वह फाइनल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है एक जो अगर बात करें हम नीचे देख पा रहे हैं प्रोविजनल व EWS मामला। बिल्कुल अगर इस पर बात किया जाए जो प्रोविजनल और EWS का मामला है बिल्कुल अपने आप में एक गंभीर मामला बना हुआ है, ठीक है। और यहां नीचे सबसे अहम मुद्दा जो आपका है ज्वाइनिंग लेटर को लेकर मिला बड़ा संकेत, बिल्कुल इसके संदर्भ में बात करेंगे। और कोर्ट केस अपडेट यानी 20 मार्च के संदर्भ में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका क्या कुछ बयान आ रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच में चर्चा करते हैं आखिरकार जो 20 मार्च कोर्ट केस अपडेट है। देखिए अगर 20 मार्च कोर्ट केस अपडेट पर हम आपसे चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ आप यह ध्यान रखिएगा, अगर 20 मार्च यानी कल की डेट में आपकी जो सुनवाई है वो फाइनल हो जाती है, ठीक है। अगर सुनवाई आपकी फाइनल हो जाती है तो यह मानकर चला जा रहा है जो आपके नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह होगा वह इसी महीने के लास्ट तक यानी जो है 25 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले पहले आपके नियुक्ति पत्र वितरण होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है सारे प्रोसेस पूरे कर लिए गए थे, नियुक्ति पत्र किसी किसी अभ्यर्थी को मिल भी गया था और वो नियुक्ति पत्र आपका बिल्कुल गुपचुप तरीके से मिला था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नियुक्ति पत्र दोबारा से बनाया जाएगा, नहीं, नियुक्ति पत्र आपका सब कुछ प्रोसेस पूरा हो गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही कोर्ट का ऑर्डर फंसा हुआ है, जैसे ही कोर्ट की सुनवाई यानी अगर 20 तारीख की डेट में फाइनल हो जाती है तो यह मानकर चलिएगा कि 100% 30 तारीख के पहले पहले आपका नियुक्ति पत्र वितरण होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखिए एक चीज सबसे बड़ी अहम मुद्दा लिखा गया है, देख पा रहे हैं कि प्रोविजनल और EWS मामला। अगर बात करें हम प्रोविजनल और EWS के तहत, प्रोविजनल के तहत उम्मीद है कि 1622 अभ्यर्थी हैं और लगभग अगर इसके संदर्भ में बात किया जाए तो 277 के आसपास में जो है EWS के अभ्यर्थी हैं, ठीक है। यही दोनों मुद्दे अगर बात करें हम तो जो फ्रेश वाले हैं इनको भी फंसा कर रख दिए, ठीक है, जो प्रोविजनल वाले। अभी आपने गोरखपुर जनता दर्शन के दौरान कहा था जो फ्रेश वाले अभ्यर्थी हैं, आप सभी के द्वारा कहा गया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आप ज्ञापन सौंप रहे थे, उसी के दौरान आपसे कहा गया जो है जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए और जो प्रोविजनल और EWS के तहत आ रहे हैं इनकी ज्वाइनिंग आप विलंब से कराइए, वो चल जाएगा, लेकिन कम से कम जो फ्रेश हैं उनको आप ज्वाइनिंग दे दीजिए। कहीं ना कहीं यह मुद्दा अगर बात करें हम तो बिल्कुल अच्छा था, ठीक है। आपने यह चीजें रखा बिल्कुल विचार जो है यह ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका एक अहम मुद्दा आप उनके समक्ष रखे हैं, ठीक है। और यहाँ जो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर बड़ा संकेत मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा 20 तारीख की डेट में आपकी सुनवाई फाइनल होने के पूरे 99% चांसेस बताए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता का भी बयान आ रहा है, उनसे भी जब बातचीत किया गया, ठीक है, देखिए बातचीत किसी के द्वारा किया गया था, उन्होंने अपने बताया कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 99% उम्मीद है कि आप लोगों की कोर्ट में जो फाइनल सुनवाई है वो हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आप लगातार ज्ञापन सौंपने की मुहिम जो चलाई है वह कहीं ना कहीं अगर बात करें हम काबिले तारीफ है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 20 तारीख की डेट में फाइनल नहीं होता है तो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर का जो संकेत बताया जा रहा है अब जो है मार्च महीने के अंत तक वह और आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो संभावित है वरिष्ठ अधिवक्ता जी का जो बयान आया है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो आपकी फाइनल सुनवाई है वो 20 तारीख को हो जाएगी यानी कल की डेट में, और अगर 20 तारीख को
फाइनल सुनवाई हो जाती है, तो यह मानकर चलिएगा 30 तारीख से पहले पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। कल की डेट में हम आपसे बात करें तो हम कोर्ट केस के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। क्या कुछ चल रहा है, पूरे वर्तमान अपडेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो है बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, तो कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।